लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज 15 में, और मैं हूँ आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। तो बीजेपी प्रचार करने के लिए भी लग गई है, और प्रचार की शुरुआत वो कर रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित मोदीपुरम से। बता दें कि पिछले दो बार के जो चुनाव हुए हैं लोकसभा चुनाव में, दोनों बार मोदी ने यहीं से शुरुआत करी है प्रचार की, और इस बार भी यानी कि तीसरी बार पीएम बनने की रेस में वो शुरुआत फिर से चुनाव प्रचार की यहीं से करने जा रहे हैं। ये बता दें कि मेरठ क्रांति धरा है, जिसको कहा जाता है क्रांति धरा, क्योंकि 1857 की लड़ाई भी यहीं से शुरू हुई थी और महाभारत हस्तिनापुर से शुरू हुई थी, जिसके बाद अब जो है लोकसभा चुनाव की जो महाभारत है वो भी यहीं से शुरू होने जा रही है। वोट डालने के लिए जरूर निकलना है, वोट डालेंगे ना, और ऐसे भी डलवाएंगे ना, घर घर जाएंगे ना, आपका वोट विकसित भारत के लिए होगा, आपका वोट देश हित में और बड़े निर्णय के लिए होगा। क्या राम है अंजू राम, आज पूरा देश कह रहा है, मैं कहना चाहती हूँ कि अब हमारे देश की जनता जागरूक हो चुकी और वो अब परिवारवाद से हटके एक विकसित भारत चाहते हैं, और इसलिए अब हमें एक ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री चाहिए जो सिर्फ हमें नरेंद्र मोदी में दिखाई दे। मोदी जी को क्या कह सकते हैं, मोदी महान है, मोदी जी तो मोदी जी है। अच्छा कर रहा मोदी तो, अच्छा कर रहा, अच्छा कर रहा मोदी तो, बढ़िया है। आज भारत सही चल रहा है, बढ़िया ऐसा लग रहा मोदी जी के साथ दिखा है, सामने ये खड़े हैं दिखी नहीं रहे। मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं बढ़िया ऐसे ही, और जिन्हें अंदर कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं, कंटिन्यूस चलता रहे ये प्रोसेस, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। और देश की नारी शक्ति क्या कहेंगे, सब कुछ है हमारे भारत में, राम की आ चुके हैं, नई नई सृष्टि रचनाएं होंगी, सब कुछ बदल रहा है। किसकी वजह से, भाजपा सरकार की वजह से, और हम उसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, मोदी जी, योगी जी, जय हिंद, जय श्री राम। मोदी हमारे श्याम, मोदी हमारे भगवान, मोदी हमारे कृष्ण, मोदी हमारे हनुमान, मोदी हमारे राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी आपकी बात चार सपा, मोदी से कहा चल रही आपके भाईचारा पूरा है, बढ़िया है, बंद रहेगा, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी मेहनत कर रहे हो, दिखा रहे हो अब की बार 400 बार, और ये मेरठ की धरती है, यहाँ पर बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, और अब की बार 400 बार योगी सरकार, मोदी सरकार, आम जनता प्रभावित है, कोई दिक्कत नहीं, मोदी योगी रहेंगे, 2024 तक मोदी रहना है, 2024 के बाद योगी सरकार आएगी, योगी हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, किसी का कोई झला नहीं उठना, 400 बार सरकार जाएगी योगी जी, योगी अब की बात 400 पार जाएगी मोदी सरकार, जो विकास होगा पर सब जनता अपना वोट देगी, बस जो भी गारंटी दी है सब गारंटी पूरी करिए, समय पे पूरी करिए, अब की बार, अब की बार नरेंद्र मोदी, मैं बता दूं अब की बार हमने विकास के कार्य किए हमारे मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास कार्य लेकर चल रहे हैं, और 400 पार सीट का परसेंट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं, योगी सरकार एक बार नहीं जाएगी, हमेशा रहेगी मोदी सरकार, हमेशा रहेगी मोदी सरकार, हमेशा रहेगी हर बार योगी सरकार, पार भारत देश का ऐसे प्रधानमंत्री है जो इस समय भी एक नियम अभी भी चाहे तो लगा सकते हैं,
आपातकाल लगा के सबको बंद करा सकते हैं, भ्रष्टाचारियों को सब बंद हो रहा है, सब चोर है, गुंडे है, भ्रष्टाचारी है, सब हर बार बंद हो रहा है। 2 साल के लिए आपातकाल मंत्री भी बन सकता है, 2026 तक पूरा हो गया, 2024 तक रहेंगे। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर चलाकर दिखा दिया है। कोई भी सरकार आई हो आज तक किसी ने बुलडोजर कोई सरकार ने नहीं चलाया। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक एक बदमाश सुनकर ऊपर पहुंचा दिए। ऐसी भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी सरकार, योगी सरकार, हर बार योगी सरकार, मोदी सरकार, यूपी से 80 से यूपी से 80 से कितने भ्रष्टाचारी सारे इकट्ठे जाए। मोदी सरकार, योगी सरकार दिखने वाली नहीं है। घर घर मोदी, घर घर योगी, विजयनगर मोदी नगर, फतेहचंद शर्मा और जैन चौधरी का नहीं, पश्चिम यूपी में बीजेपी जीत ली। अब क्या हर बार भाजपा सही थी, पर जैन चौधरी मिल गया तो हम भी मिलेंगे। एक तरफा पश्चिम यूपी के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रभाव जाएगा जैन चौधरी का। भारत रत्न देखे चौहान साहब को और ज्यादा सम्मान देके एक तरफा जैन चौधरी, जैन चौधरी, चौधरी जैन सिंह की भूमि, जैन सिंह की भूमि है, चौधरी जैन सिंह की भूमि मेरे हाथ में, जैन चौधरी जिंदाबाद। अपराध का अंत, कमल का शुरुआत, 400 पार। किसानों के मसीहा चौधरी साहब को भारत रत्न मिला, इस बार पश्चिम यूपी में नाचने लगा, कमल खिलेगा। मोदी योगी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी 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 मोदी। अब की बार 400 बार। तो देखिए बीजेपी ने जो मेरठ से जिसको क्रांति धरा कहा जाता है, वहाँ जो है चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है, शुरुआत हो गई है। अब पूरे देश भर में चुनाव का प्रचार होगा। अब देखते हैं बीजेपी की ये जो पहल थी, जैसे अब तीसरी बार है, दो बार पहले भी 2014-2019 में भी यहीं से शुरुआत की थी पीएम मोदी ने, उसके बाद अब फिर से यहीं से शुरुआत करने वाले हैं तीसरी बार। तो अब देखना होगा कि जैसे दो बार सफलता मिली है, क्या इस बार ही बीजेपी को सफलता मिलेगी और 400 पार हो पाएगा। सुप्रीम के साथ शिवानी मांगवानी, कैमरामैन अरुण के साथ।